अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल एशियन कुजीन में एडीसी और इजी रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत है मैं आपकी खिदमत में। जी नाज़रीन, आज मैंने मसाला भरे बैंगन पकाए हैं, बहुत ही मज़ेदार और कम इंग्रेडिएंट्स में, बहुत ही चटपटी। इसको आप दही के रायते के साथ और तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, नहायत ही मज़ेदार। तो चलिए नाज़रीन, किचन में चलते हैं और इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैंने 5 से 6 तो बैंगन लंबे बैंगन लिए और उनको इस तरह से कट कर लिया दरमियान से, ऐसे और इस तरह, और एक बैंगन को मैंने इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कर लिए ताकि इसका थोड़ा सा मसाला बन जाए। बैंगन में मसाला बनने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, नोट कर लिया। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून या इसको कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया मैंने लिया है यहाँ पर क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये बैंगन में भरेंगे। तरह से इसको नमक मिर्च चाट मसाला लग जाए। जी नाज़रीन, तमाम बैंगनों में मैंने मसाला लगा दिया। जी नाज़रीन, मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज लिया और उसको छोटा सा बारीक बारीक काट लिया। 1/2 कप ऑयल इस्तेमाल करूंगी, 2 से 3 खाने के चम्मच दही में इस्तेमाल करूंगी, 1 दरमियाने साइज का टमाटर है उसको मैंने मिक्सर में डालकर ब्लेंड कर लिया, और 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च। तो चलिए नाज़रीन, मसाला भरे बैंगन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, 1/2 कप से थोड़ा सा कम ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँ ताकि हमारी प्याज और टमाटर अच्छे से गल भी जाए और स्मूथ भी हो जाए। आज थोड़ी सी मैं स्लो कर रही हूँ, 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। जी नाज़रीन, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम आगे ग्रेवी चेक करते हैं। बेशक मैंने वाटर को ग्राइंड करके डाला पेस्ट बनाकर, लेकिन फिर भी 3 से 4 मिनट इसको कुक करना पड़ेगा ताकि टमाटरों का कच्चापन खत्म हो जाए, मसाला अच्छे से भून जाए हमारा। देखिए आगे मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसके अंदर
आंच बिल्कुल स्लो कर दूंगी, ये अपने स्टीम में ही पकेगा, पानी वगैरह कुछ नहीं डालना हमें, और तकरीबन 10 मिनट तक ये स्टीम में ही रहेगा। 8 से 10 मिनट ओके, चेक करते हैं। इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए फिर कवर कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। जी नाजिम 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, ज़बरदस्त देखिए स्टीम के अंदर ज़बरदस्त गर्म कर दिए। आप अगर में से एक दो को पीसना चाहे, मुलायम करना चाहे, कर सकते हैं, वरना ज़बरदस्त ग्रेवी की अच्छी तरह से भून चुके। अब इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च, डालकर कवर कर दूंगी और स्टोव को बंद कर दूंगी। हमारे मसाला भरे बैंगन रेडी है। मसाला भरे बैंगन रेडी। नाजिम उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, जरूर ट्राई कीजिएगा मसाला भरे बैंगन। तो आप मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।